हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। आज के वीडियो में हम कंपास की हेल्प से जितने भी एंगल बन सकते हैं उन सब एंगल को बनाना सीखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, सभी एंगल कंपास से नहीं बनते हैं ना। जैसे 100 डिग्री है, 110 है, 100 110 तो चलो तब भी हम कंपास से बना देंगे, बाकी और भी 97 93, तो ये सब एंगल कंपास से नहीं बनते। तो जो कंपास से एंगल बन सकते हैं उन सबको आज हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एंगल आता है 60 डिग्री। हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है कंपास से, है ना। तो कैसे करेंगे, जो एंगल तीन मेन एंगल हैं 60 90 120, उसके बाद मैं बाइसेक्ट करना सिखाऊंगा, यानी कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कैसे ड्रॉ करते हैं, हम कैसे डिवाइड करते हैं, फिर उसका यूज करके 60 का बाइसेक्ट यानी कि हाफ क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बना सकते हैं, 30 का भी हाफ, 15 का भी हाफ, 7.5 का भी हाफ, ऐसे हम सब एंगल का हाफ। तो पहले तीन मेन एंगल हैं 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल, आप लोग को ज़्यादातर आता भी सबको 60 डिग्री एंगल, क्या करेंगे, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सपोज करो इस पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास में कोई भी रेडियस ले लो, किसी भी रेडियस पर पॉइंटर को, जिस पॉइंट पर आपको 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है वहाँ पॉइंटर रखा, ओके, और एक आर्क लगाया किसी भी रेडियस का। इस आर्क ने उस लाइन को जहाँ कहीं भी मीट हुई यहाँ पर हुआ, सेम डिस्टेंस से पॉइंटर को यहाँ लगा रखा एक आर्क और उसी रेडियस से लगाया। जो प्रीवियस आर्क को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये सपोज करो ए बी हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी, ए पॉइंट से 60 डिग्री बनाया, तो ए को इस पॉइंट से ज्वाइन करते ही एक लाइन ड्रॉ कर दो, और आपकी ये पेंसिल इसमें कैसे होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए काफ़ी, यानी कि मोटी पेंसिल से आप ड्रॉ कर दो। तो ए को पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया और इसको नाम दे दिया सी। तो ये आपका 60 डिग्री एंगल हो गया ड्रॉ। एंगल बी ए सी इज इक्वल 60 डिग्री, ओके। अब दूसरा हम 120 डिग्री बनाते हैं, अलग बनाते हैं, क्योंकि इसी पर मैं आगे आपको 30 डिग्री सिखाऊंगा। तो पहले हमें 60 डिग्री बनाना होगा, दो दो बार काम ना करना पड़े, तो इसी को यूज कर लेंगे हम, है ना, 60 डिग्री तो बना सीख गए। अब हम 120 डिग्री का एंगल देखते हैं, 120 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ होता है, कौन सा 120 डिग्री। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, रे लाइन, लाइन सेगमेंट कुछ लिख लो आप, ऐसे रे कहते हैं एंगल के लिए, है ना। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कोई भी मेजरमेंट की नहीं, कोई स्टूडेंट पूछते सर कितनी सेंटीमीटर, ये आपकी चॉइस है, कितनी भी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वो आपकी मर्जी है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी। अब हमें ए पॉइंट पर सपोज करो 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, तो पॉइंटर को हमने पॉइंट ए पर रखा और कोई भी रेडियस लेकर, जैसे पहले थी, कोई भी रेडियस लेकर एक आर्क लगाया। इस आर्क ने ए बी को कहीं ना कहीं मीट करा, उससे एक आर्क लगाया, तो ये सबसे पहले जो एंगल बनता है इसको ज्वाइन कर दें, अभी बताया था वो होता है 60 डिग्री इसमें, है ना। अब हमें 120 बनाना है, तो पॉइंटर को इस आर्क ने प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा इसको पॉइंटर को यहाँ रखा, एक आर्क और लगाया आगे की तरफ। तो ये जो पॉइंट होगा ए से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो या लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, तो वो ए बी के साथ 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, बनाएगी। तो हमने पॉइंट पेंसिल की हेल्प से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, बी ए इसका नाम दे दिया मैंने सी, ओके। तो ये जो एंगल बना है ये होगा 120 डिग्री। तो इस फिगर में एंगल बी ए सी की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो अभी तक हमने दो एंगल सीखे, फर्स्ट 60 डिग्री एंड सेकंड इज 120 डिग्री। अब हम आगे करेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ होगा ये सीखते हैं। सेम काम करना है हमें, एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ओके, किसी मेजरमेंट की, इसको नेम दे दिया ए एंड बी। अब हमें 90 के लिए क्या करना होगा, 60
बनाए पहले, चलो सिखाते हैं। सबसे पहले हमने कंपास पर कोई भी रेडियस ली, इसमें मैं दोनों आर्क लगा लूंगी, 60 का भी 120 का। देखो ये है ठीक, इसने किधर इंटरसेक्ट करा लाइन को, इस पॉइंट पर, पॉइंटर को यहां रखना है, एक आर्क लगाना है। तो ये एंगल क्या हुआ, 60 डिग्री। 60 डिग्री तीनों में आया था, 60 में तो सीख चुके थे, 120 में भी सबसे पहले 60 लगा था, फिर 120 का, फिर आप सीख गया। अब इस पॉइंटर को 60 डिग्री का जो आर्क लगा यहाँ पर, ये 60 डिग्री का एंगल का आर्क होता है, फिर आर्क लगाओ, ये क्या हो गया 120 का। अब पॉइंटर को एक ऊपर भाई रखना है, एक ऊपर आर्क लगाना है। अब पॉइंटर को इस वाले पॉइंट पर रखना है जो 120 का एंगल इंटरसेक्ट कर लगा था ना, 120 एंगल का लगा था, पॉइंटर को यहाँ रखना है और एक आर्क लगा देना है। तो बस हो गया, ए को इस पॉइंट से ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि बी ए के साथ क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। इस पॉइंट को और ए पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। इसका नाम मैंने सी दे दिया। तो इसमें ये एंगल जो हुआ, इसका मेजर क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल बी ए सी किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री। ये तीन बेस एंगल हैं, कोई भी एंगल ड्रॉ करना होगा तो हमें इन तीन में से कोई ना कोई एक एंगल जरूर ड्रॉ करना होगा, उसके बाद ही बाकी एंगल होते हैं। अब हम इनके बाइसेक्ट करना सिखाएंगे कि एंगल का बाइसेक्ट, अगर 30 का हाफ करते, बाइसेक्ट का हाफ करना, तो 30 आ गया 60 का बाइसेक्ट, तो 30 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, इससे बनाएंगे। 120 का बाइसेक्ट करो 60, 60 ऑलरेडी है ना, तो इसकी जरूरत नहीं, करोगे तो कहीं से जाएगा है ना, तो 60 हो जाएगा। और 90 का बाइसेक्ट यानी कि 90 का हाफ 45, तो अब दो एंगल और सीखते हैं, 30 डिग्री एंड 45। उससे पहले मैं आपको एंगल बाइसेक्ट करना सिखाऊं कैसे होता है। देखिए एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं, सपोज करो हमें कोई भी एंगल दे रखा हो, हमने एक लाइन ली, अब मेजर नहीं है, कोई भी एंगल हो, हमने ये एंगल बना लिया, तो हमें नहीं मालूम इसका मेजर कितना है, इसको लिख दिया हमने ए बी सी। अब मैंने क्या करना है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दूसरे शब्दों में बोलें तो एंगल एबीसी का बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कंपास में कोई भी रेडियस ले लो, ये आपकी चॉइस है, कितनी भी रेडियस, पॉइंटर को एंगल के वर्टेक्स पर, वर्टेक्स भी है रखा, और एक आर्क लगाया, ऐसा आर्क लगाया जो दोनों आर्म्स को, एंगल की दोनों आर्म्स को टच करे यानी कि इंटरसेक्ट करे, मीट करे, कर रहा है। अब सेम डिस्टेंस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कौन सी, इस पॉइंट से यहां तक, अगर मैं मेजर करूं ये डॉट 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 करके, मैं तो आपको मेजर शो कर दे रहा हूं, ये करनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, हम कौन सी डिस्टेंस है ये समझाने के लिए, ये ऐसा आपको करना नहीं है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है, इसकी हाफ से अधिक डिस्टेंस लोगे तो ज्यादातर होता क्या, जो हम आर्क लगाते हैं इतनी होती है, उससे हाफ से अधिक ही होती है, लेकिन आप मेजर कर लेना, हाफ से अधिक होनी चाहिए, हाफ से अधिक है, फुल से भी अधिक हो सकती है, बहुत से बच्चे कहते हैं फुल से भी अधिक हो सकती है, बिल्कुल ले सकते हैं, हाफ से अधिक का मतलब हाफ से अधिक है, कुछ भी हो, हाफ से अधिक डिस्टेंस ले ली। अब इस पॉइंट से जो आर्म पर इंटरसेक्ट करता है वाला पॉइंट, इससे एक आर्क लगाओ, सेम रेडियस से, रेडियस चेंज नहीं करनी, इस वाले पॉइंट से जो दूसरी आर्म पर इंटरसेक्ट कर रहा था आर्क, प्रीवियस आर्क, उस वाले पॉइंट से रख के सेम रेडियस से एक आर्क और लगाया जो प्रीवियस आर्क को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बी को इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसको थोड़ा और आएगा पास, और ये बी, ये कर दिया ठीक है ना, इसको मैं कुछ नाम दे दूं डी, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इसका बाइसेक्टर है। तो इससे क्या हुआ कि एंगल डीबीसी इक्वल होगा एंगल डीबीए, यानी कि किसी एंगल को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सीख लिए इससे, है ना। अब जरा यहां आ जाओ, 60 डिग्री जो ड्रॉ करा था, अगर हम कहें ड्रॉ 30 डिग्री, अब 30 डिग्री कैसे ड्रॉ होगा, क्या 30 क्या होता है, 60 का हाफ, यानी कि हम अगर इसका बाइसेक्ट ड्रॉ कर दें या इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो नीचे वाला 30 ऊपर वाली 30 होगा ना, तो 30 डिग्री अगर एंगल ड्रॉ करने के लिए आता है तो हम 60 डिग्री तो ड्रॉ करेंगे, वो ऑलरेडी हमारे पास है ना, दोबारा नहीं कर रहा, मेरे का टाइम वेस्ट होगा, 60 डिग्री बनाना सीख गए, तो इसी में मैं आपको 30 डिग्री बनाना सिखाता हूँ। तो 30 डिग्री के लिए सबसे पहले हमें ये काम करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, जब 60 डिग्री का एंगल बना दोगे तो ये आर्क ऑलरेडी है, उसमें तो हमने इस वाले एंगल में तुम ड्रॉ करा था, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी होगा,
अब कंपास में वही हाफ से अधिक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक हाफ से अधिक डिस्टेंस है, थोड़ी कम कर सकते हो, ये ज़्यादा ही कुछ। इस पॉइंटर को यहाँ रखा और एक आर्क लगा दिया, सेम डिस्टेंस से अब पॉइंटर को हमें यहाँ रखना है इस वाले पॉइंट पर, और एक आर्क यहाँ लगा दिया। ओके, इस पॉइंट को ए से ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस ध्यान रखना, ऊपर देखने में लगता है कि बहुत पास दूर आगे पीछे हो जाती है अक्सर गलती से। एक तो आपकी शार्प होनी चाहिए पेंसिल, है ना, इसके टिप पे बहुत शार्प होनी चाहिए। और ये इसको कुछ नाम दे दिया डी। तो एंगल बी ए डी, ए बी सी की समझ में आ गया। अब इसमें एंगल बी ए डी, नीचे वाला 30 ऊपर वाली 30 होगा, तो एंगल बी ए डी क्या होगा 30 डिग्री के। क्लियर? तो हमने चार एंगल सीखे अभी तक, 60 डिग्री, 120, 90 और 30 डिग्री। और एक चीज़ और सीखी, एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं, उसका यूज हमने यहाँ करा 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट देखो, मुझे ध्यान नहीं, मैं आपको चेक करा दूँ। देखो ये 30 डिग्री एंगल लाइन के ऊपर आ रहा है और ये 60 था, तो ये 60 का बाइसेक्ट हो गया 30। देखो ये था 30, मैंने के लंबी करा दूँ, तो 30 समझ में आ गया 60 का बाइसेक्ट। 60 डिग्री हम डायरेक्ट बना सकते हैं, तो ये नहीं कि 120 का 60 करके, सबसे पहला आप 60 का ना सीख चुके। तो हमने कौन कौन से एंगल लिख लिए, असेंडिंग में बोलूँ तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120। अब आता है 90 का बाइसेक्ट यानी कि हाफ क्या होगा, 45 डिग्री। तो हम 45 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर किसी क्वेश्चन में 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आता है, तो सबसे पहला काम इतना करना है कि 90 डिग्री एंगल आपको बनाना ही बनाना है, ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, वो हम सीख चुके। अब हमें इसका बाइसेक्ट भी हम सीख चुके जरा, तो बस वही काम करते चलो। कंपास में हाफ से अधिक डिस्टेंस ली, हाफ से अधिक है, इस पॉइंटर से और इस पॉइंटर से सेम रेडियस का आर्क लगाना है हाफ से अधिक। तो हमने कंपास के पॉइंटर को यहां लगाया, रखा और एक आर्क लगा दिया। आप पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखा, एंगल का जो आर्क था, और एक आर्क और लगाया। ओके, अब क्या करेंगे, ए को इस पॉइंट से ज्वाइन करते ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं। देख रहा हूँ, सही है, हाँ ठीक है, सही है, ये कर दी। इसका नाम मैंने डी दे दिया, तो डी ए बी कितना हो गया, यहाँ पर एंगल डी ए बी हो गया 45 डिग्री। क्लियर? तो ये हुआ डी ए बी 45 डिग्री। ये देखिए कंपास में, मैं चेक कराता हूँ। हाँ देखिए, बेस लाइन है ये 90 वाली आ रही है, 90 डिग्री, और 45 आ रहा है, ये 45 हटा के दिखाता हूँ। देखो 45 भी थे, बीच वाली लाइन 45 पर आ रही है। तो ऐसे ये हम करते हैं। तो बाई सेक्टर का हमने कहाँ कहाँ यूज करा, हमने 60 डिग्री का हाफ करा तो 30 डिग्री बनाना सीख गए, और 90 डिग्री का हाफ करा तो 45 डिग्री, है ना। अब और एंगल सीखते हैं। अब देखो, अगर हमें 22.5 हो तो वो भी कर सकते हैं। ये 45 है तो 45 का हाफ कर दें, एक लाइन ड्रॉ आएगी तो वो हो जाएगा 45 का हाफ। कितना होता है 22.5, है ना, या कौन इसे ऐसे भी ले सकते हैं 22 होल 1/2 डिग्री, यानी 45 का हाफ है। पहले हम इसी ड्रॉ करते हैं। तो हमने 90 का हाफ कर दिया तो आ गया 45, इसमें डी ए बी। अगर 45 का भी हाफ कर दें तो 45 का एंगल तो ये बनना है, आर्क ये है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर। इस कंपास में हाफ से अधिक डिस्टेंस है, ये तो फुल से भी अधिक है, थोड़ा कम कर देता हूँ। थोड़ी कम डिस्टेंस लेते हैं तो क्या होता है, कंपास चलते नहीं ठीक से, तो हाफ से अधिक, फुल से अधिक ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक आर्क लगाया इस पॉइंट से, एक आर्क लगाया जो एंगल का बाइसेक्ट करना है, उस वाले एंगल के आर्म में जो इंटरसेक्ट वो मीट हो रही होती है आर्क, वहां से लगाते हैं ना, ये लगा दिया। अब एक को इससे ज्वाइन कर दें तो ये कौन सा एंगल आ जाएगा, 45 का भी हाफ, यानी कि 22.5 या 22 एंड 1/2 डिग्री। ठीक, इसको मैंने अगर नाम दिया ई, तो कौन सा एंगल होगा, एंगल ई ए बी एच इक्वल 22 एंड 1/2। इसका भी हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 11.25। इसका भी हाफ कर दो 11.25। ऐसे एंगल नहीं आते, लेकिन ये कभी कभी पूछ लेता है 22.5, 45 अक्सर आता है, 90 अक्सर आता है, कंस्ट्रक्शन में आएगा, ट्राइंगल वगैरह आगे करोगे उसमें सब आते हैं ना। 60 सीख लिया हमने, 120 सीख लिया, 90 सीख लिया। अब हम करते हैं 75।
75 कहाँ आएगा, उसको चलो मैं दोबारा बनाऊंगा, नहीं ज्यादा पचपच होगी, इन दोनों के बीच में आएगा। कैसे, पहले आप 75 को समझ लो। 75 एंगल क्या है, 60 डिग्री से बड़ा है ना, और 90 डिग्री से क्या है, स्मॉलर। दोबारा समझो, हमने क्या करा, क्या करते हैं हम, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कंपास को यहाँ रख के एक आर्क लगाते हैं, ओरली मत समझा रहा हूँ मैं, ये 60 डिग्री, 120 यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है ना, ये था 60, अब हमें चाहिए 75। तो 75 क्या है, 60 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि ये क्लियर हो गया इन दोनों एंगल के बीच में, क्योंकि ये लाइन क्या थी 60 डिग्री की, ये 90, तो यहाँ कहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं पड़ेगा। अब यहां से यहां तक एंगल बता सकते हो, ये मेजर है 60 डिग्री और ये पूरा है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, इस पूरे में से सबट्रैक्ट कर दें, यानी कि ये 30 डिग्री होगा, होगा ना 30। और हमें 60 डिग्री में कितना ऐड करना है 75 के लिए, 15, तो 75 आ जाएगा, और ये 30 है और 30 का हाफ होता है 15, यानी कि हम इस एंगल का बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे, और इस एंगल का बाई सेक्टर ड्रॉ कौन सा, यहां से एक आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये पूरा होगा 75। जब 75 डिग्री एंगल बनाएंगे, अभी बनाऊंगा मैं, फिर चिंता मत करो, तो हमें ये 60 वाली आर्म्स की कोई जरूरत नहीं। कैसे, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करिए, इस पॉइंट से कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके आर्क लगाया, फिर यहां से आर्क लगाया, फिर यहां से आर्क लगाया, फिर यहां से आर्क और यहां से आर्क, और इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना, ये एंगल 90, 60, हमें तो 90 और 60 का बाइसेक्ट करना है, तो 60 डिग्री के आर्म्स की कोई जरूरत नहीं है, इस पॉइंट की जरूरत थी, तो यहां से आर्क लगाएंगे, यहां से आर्क लगाएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो आएगा 75। चलिए ड्रॉ करते हैं 75, तो 70 कर तो मैं यहां भी सकता हूं, यहां कैसे होगा, देखो यहां और यहां स्कार लगा दें तो कुछ ज्यादा आपको खोच-पोच लगेगी, तो दोबारा लो 75 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम हमें 90 डिग्री और 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करने, तो हमने कंपास सॉरी स्केल की हेल्प से कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी मेजरमेंट की ड्रॉ कर ली, ए बी, ओके, कंपास में कोई भी रेडियस ले ली, पॉइंटर को ए पर लगाया, जिस पॉइंट पर 75 डिग्री बनाना है, और एक आर्क लगाया, इस आर्क ने ए बी लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करा, अब पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे, फिर एक आर्क लगाया, अगर इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हम सीख चुके, 60 डिग्री हमें जरूरत नहीं है, फिर पॉइंटर को यहां रखना है, एक ऊपर लगा दो 90 के लिए और एक यहां लगा दो, ये कौन सा एंगल होगा, ये 120। अब कंपास को इधर रखा इस वाले पॉइंट पर, फिर एक आर्क लगा दिया, ये कम पड़ गया थोड़ा सा तो इसे बढ़ा दो, ओके, तो हमें 90 डिग्री जरूर शो करना है 75 के लिए, तो ए को इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये पॉइंट है 60, तो इन दोनों का बाइस सेट कर दें, 30 का बाइस सेट क्या होगा 15 है ना, तो 75 आएगा। तो अब क्या करेंगे, कंपास में इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाया, हाफ से अधिक डिस्टेंस है, और पॉइंट को यहां रखा और एक आर्क लगाया, देखिए ना ये पॉइंट आ रहा है और एक, इसको ज्वाइन कर देंगे, ओहो कैमरा चल रहा भाई, ये तो लाइन पीछे पड़ेगी, इसको भी फर्क नहीं है, पॉइंट पर रखना, नहीं पीछे लग लो, पॉइंट पर रख रहा हूँ मैं, और ये इस पॉइंट को और एक को, एक का पॉइंट ये है, इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका नाम मैंने दे दिया बी ए सी दे दिया मान लो, तो जब एंगल बी ए सी है ये होगा 75 डिग्री, ओके क्लियर। तो हमने अभी तक 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 60 का हाफ, 30 डिग्री, 90 का हाफ, 45 इसका भी हाफ ने ड्रॉ करा, और हमने 75 डिग्री, इतने एंगल को कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्शन करना सीखा, इतने एंगल का। अब हम दो एंगल और सीखेंगे, दो और अधिक देखते हैं समय के ऊपर, 150 और 135 डिग्री, अब इनको हम ड्रॉ करेंगे कि 150 अगर ड्रॉ करना है, हाँ ये ध्यान रखना जो एंगल कंपास से हम लोग बनाना सीख रहे हैं, आगे आप कंस्ट्रक्शन सीखोगे, कंस्ट्रक्शन में ये एंगल अगर दे रखे हैं तब तो हम कंपास की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। अगर दे रखा है 65 डिग्री या 70 डिग्री तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे प्रोट्रैक्टर को, है ना,
कुछ एंगल होते हैं 100 डिग्री 110 डिग्री, वो भी कंपास से हो जाते हैं, लेकिन अगर 100 डिग्री 110 डिग्री आपके क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट कंपास के बजाय क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के हेल्प से ड्रॉ करोगे। ये एंगल सारे हम कंपास से, अभी और भी हैं वो भी करेंगे, पहले इनको करते हैं 150 फिर 135। चलिए पहले हम 150 का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो 150 डिग्री एंगल के लिए हमें 120 का एंगल ड्रॉ करना होगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना, उसमें तो हमने क्या, जिस पॉइंट पर हमने एंगल ड्रॉ करना होता तो वहां से स्टार्ट कर दी थी, यहाँ नहीं, यहाँ एक बड़ी लाइन पॉइंट हमने कहीं यहाँ ले लिया, यहाँ लो हमें वन ये ए बी, ए पॉइंट पर हमें 150 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, पॉइंटर को ए पर रखा और एक आर्क लगाया, यानी कि सेमी सर्कल ड्रॉ कर, एक तरफी सा विषम, क्लियर। अब पॉइंटर को यहाँ रखा, यहाँ की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, इसलिए ये 60 डिग्री का एंगल, और यहाँ रख के इधर आर्क लगाया, ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री का। अगर आप यहाँ से भी आर्क लगाते हैं तो यहीं लगता, देखो अगर मैं आर्क लगा के दिखाऊँ आपको तो वहीं आएगा, सिक्सटी वहीं आ रहा, वहीं कट कर रहे हैं ना 120। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हम इसको ज्वाइंट करें, अगर मैं आपको समझाने के लिए मैंने हल्की हल्की थोड़ी सी हल्की सी ड्रॉ डॉट डॉट करके समझा देता हूँ। ये लाइन क्या आई, यहाँ से यहाँ तक एंगल 120 हुआ है ना, अब देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बचा, 60 बचा, पूरा एंगल जानते हो 180 होता है स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल, इतना वैल्यू हमें पता है, ये है 120, तो ये कितना बचा 60, हमें चाहिए 150, और 150 डिग्री क्या होगा, 120 में कितना ऐड करें, 30 ऐड करें तभी तो 150 आएगा, यानी कि ये पूरा 60, यानी कि इसका हाफ 30 होगा, तो हमें इस एंगल का वाई सेक ड्रॉ करना है। कुछ लोग इस ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमें तो आर्क चाहिए, आर्क मालूम है 120 का जीरा 180 का जीरा, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोलते समझिए हाफ से अधिक डिस्टेंस ली, इस पॉइंट से एक आर्क लगाया और 120 वाले एंगल से एक आर्क लगाया, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये एंगल हो गया 150 डिग्री। हाँ ठीक है, बी ए इसको नाम दे दिया मैंने सी, तो इस फिगर में एंगल बी ए सी किसके इक्वल हुआ, 150 डिग्री। ओके, देखो ये कंपास है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये एंगल 150 पर लाइन जा रही है, ये बेस लाइन, तो ये हो गया 150 डिग्री बी ए सी। ओके, तो इसमें ये बीच वाले लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, 150 सीख गए, अब हम इसी में ड्रॉ करेंगे 135 के लिए हमें 150 ड्रॉ करना पड़ेगा, वो हमने कर लिया, इतना काम तो करना पड़ेगा। अब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, 135 डिग्री, कौन सा एंगल, 135 डिग्री कैसे, अच्छा एक 105 रह गया, चलो अभी करेंगे 135 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें ये सब करना है, हो गया है ना। अब देखो हमें 135 होगा क्या, 120 से अधिक है, 120 इसमें कितना ऐड करें, अगर हम 15 डिग्री ऐड कर दें तो 135 आ जाएगा। तो हमने देखा ये लाइन कौन सी है, ये जो आर्क लगा हुआ है 120 का, और यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना है 150, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 120 पूरा 150, तो 30 तो बचा, अब हमें 15 चाहिए, यानी कि 13 का हाफ, तो इन दो का इस वाले एंगल का बाई सेट ड्रॉ कर दो। तो जब आप 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो जैसे हमने अभी 150 बनाया उतना बनाओगे, ये आर्क लगाना ही लगाना है 120 का, अब हमें कंपास में लेकर 150 का एंगल ना, वहाँ से एक आर्क लगाइए और एक आर्क इस वाले पॉइंट से, कौन से 120 वाले से, ओहो बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक गया, तो एक पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दीजिए, इसको नाम कुछ भी दे देंगे, तो ये एंगल बनेगा 135। देखिए ना बी ए सी बी ए डी दे देता हूं, कुछ भी लिख दो, तो बी ए डी कितना होगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल 135 डिग्री। तो अब तक हमने कुल मिलाकर ये सारे एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखे, 60 90 120, उसके बाद हमने 30 45 22 एंड हाफ 75 150 135।
एक एंगल और सीखते हैं आज के वीडियो में। इसके अलावा हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। कभी लंबी वीडियो जाएगी 105 डिग्री। 105 वैसे पड़ेगा कहाँ, 90 से देखें है ना, तो 19 में कितना ऐड करें कि 105, तो 19 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो 105 आ जाएगा है ना। तो क्या होगा, हमने भी 90 डिग्री का एंगल बनाया था, यहाँ मैं आपको रफली दिखा देता हूँ, ये 90 था और ये क्या था 120, तो 90 से 120 तक का क्या हो गया 30, तो इसके और इसका बाइसेक्ट ड्रॉ कर देंगे तो 105 आएगा। चलिए मैं फिर दोबारा से करता हूँ, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं 105 डिग्री। तो आज के वीडियो का ये लास्ट एंगल बनाना सीख रहे हैं, इसके बाद ये भी खत्म नहीं हुई, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा एंगल के लिए, जो रह गए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ एंगल रह गए और कुछ एंगल ऐसे हैं हाँ, जैसे 110 डिग्री, ये भी हम कंपास से बना सकते हैं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अगर वो एग्जाम में आते हैं तो उस तरीके से नहीं, आप डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाएंगे। ओके चलिए अब 105 और सीखते हैं आज के वीडियो में। तो 105 के लिए हमने अभी ओरली समझाया था, क्या करेंगे पहले 90 डिग्री का एंगल और 120 के डिग्री के बीच का जो एंगल है उसका बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, नेमिंग कर दी ओ क्यू, इसका हो सर हमेशा बीसी बीसी लिखे आ रहे तो इसलिए चेंज कर दिया, ओके ओ क्यू। तो अब पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है कंपास में, 90 आप सीखिए 120 भी जानते हैं। सबसे पहला आर्क किसका लगता है 60 डिग्री का, हमने कंपास में कोई भी डिस्टेंस ली और एक आर्क लगाया, जिसने लाइन ओ क्यू को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, अब पॉइंटर को यहाँ रख के एक आर्क लगाते हैं, तो ये इसको अगर ज्वाइंट कर देंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री। फिर पॉइंटर को इधर रखा इस वाले आर्क पर और यहाँ लगाया, इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री। अच्छा मैंने यहाँ से हटा दिया, हटाना नहीं चाहिए था मेरे को, एक आर्क यहीं से ऊपर लगा दिया किसके लिए, ओहो हिल गया भाई, हिलना नहीं चाहिए, हिलने से क्या होगा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री का आर्क गया ऊपर, अब इसी पॉइंटर को हमने यहाँ लगा इस पॉइंट पर और एक आर्क ही लगाया, ठीक है ना। अब 90 डिग्री वाले को ज्वाइन कर दो, बाकी ज्वाइनिंग करने की सिर्फ 90 डिग्री वाले को ज्वाइन करना है, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट से ये 90 है और ये 120 में से 90 सेपरेट करें 30 बचा, और हमें 50 डिग्री और चाहिए 90 में, 105 हमने समझाया था 90 प्लस 15 105, 30 का हाफ करेंगे और यहां से आता है एंगल की वैल्यू क्या, अगर ज्वाइन करें तो इससे एंगल की वैल्यू 30 है, तो इसका बाइसेक्ट कर दो। इसलिए बाइसेक्टर कितना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखाया था, बाइसेक्ट कैसे करते कंपास में हाफ से अधिक डिस्टेंस है, हाफ क्या पुल से भी अधिक है, तो है ना, समझ गए, हाफ से अधिक हमने बताया था यहां से यहां तक की डिस्टेंस हाफ है, तो हमने इस पॉइंटर पर रखकर एक आर्क लगाया, पॉइंटर को यहां रखा 120 वाले एंगल पर और एक आर्क और लगाया, ओहो बढ़ाना पड़ेगा आर्क को, बढ़ा दिया, तो इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दो, इसको मैं नाम दे दूंगा पी, इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन करना है, किस पॉइंट को, इसको, इससे, ठीक है ना, हो गया, और इससे नाम दे दिया मैंने पी। तो एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल होगा 105 डिग्री। ओके जिन जिनों भी एंगल ड्रॉ करना सीखना था, मुझे उम्मीद है उन्हें सबको समझ में आ गया होगा, हालांकि मैं इसको वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, कभी कभी हो जाता है ऐसा है ना, वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ फर्स्ट या सेकंड डे में प्रॉब्लम हो जाए, कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है हमारी, कुछ वर्क आ जाता, तो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई, कई 3-4 दिन से इसकी डिमांड थी कि एंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आज मैंने ये सारे एंगल आपको सिखाए, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 30, 45, 22 एंड हाफ, 75, 150, 135 एंड 105 डिग्री। अभी और भी एंगल हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे एंगल बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और थी, मेरा एक नया चैनल और है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपसे उम्मीद रखता हूँ आप लोग वो भी सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए आपका एडवांस में मैं थैंक यू बोल देता हूँ, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय न्यू चैनल, है ना। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।